कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। SNPS ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप अब LKG से UKG क्लास में आए हैं। UKG क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज से मैं आरती मैम आपको आज हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। पहले आपका अपना बुक देखते हैं। ये है आपका बुक हिंदी का स्वर संगम, संगम में मेल। ये है आपका बुक स्वर संगम। अभी तक आपने अक्षर के बारे में जाना है। नर्सरी LKG में आप अक्षर के बारे में जानते थे, अब UKG क्लास में आप अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाएंगे। अब आप लोग शब्द बनाना सीखेंगे और शब्द बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो वर्णों के शब्द सीखेंगे। क्या सीखेंगे? दो वर्णों के शब्द। देखिए ये है दो अक्षरों वाले शब्द। क्या है ये? दो अक्षरों वाले शब्द। यहाँ आप क्या देख रहे हैं? ये है एक जग। क्या है ये? एक जग है। और जग को हम कैसे लिखेंगे? जग को हम ज प्लस ग इक्वल टू जग, ज प्लस ग इक्वल टू जग। आपको मेरे साथ दोहराना होगा, रिपीट करना होगा, बोलना होगा, तभी आप लोग जोड़ के पढ़ना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको अक्षरों की पहचान करनी होगी। घर पे आप मम्मी पापा की सहायता से अक्षर को पहचानिए, फिर मेरे साथ जोड़ के पढ़िए। ये क्या है? जग है। जग को कैसे पढ़ेंगे? ज प्लस ग इक्वल टू जग। ये क्या दिख रहा है बच्चों आपको? वन है ये, जंगल। उसको क्या कहते हैं? वन। व प्लस न इक्वल टू वन। वन में बहुत सारे जानवर रहते हैं, शेर। शेर भी वन में ही रहता है। ये क्या है? व प्लस न इक्वल टू वन। क्या है ये? वन। यग, य प्लस ज्ञ इक्वल टू यग। क्या है? य प्लस ज्ञ इक्वल टू यग। यग आग। जब पूजा होती है घर में तो आग जलती है ना, उसको कहते हैं यज। चलिए अब मैं आपको बहुत सारे शब्द पढ़ के बताती हूँ, आप मेरे साथ रिपीट कीजिए और पढ़ना सीखिए। आपको दोहराना बहुत जरूरी है क्योंकि आप लोग अभी नई नई LKG से UKG में आए हैं। आप लोगों को अक्षर पहचानने में दिक्कत है, इसीलिए जल्दी से इसको पढ़िए मेरे साथ। चलिए पढ़िए क्या लिखा है। अगर जिसके पास है बुक, अपना बुक खोल लीजिए। नई बुक है तो आप स्कूल से बुक ले सकते हैं। चलिए पढ़िए। न ल नल, बोलिए नल। नल में टूटी जिससे हम पानी पीते हैं। जल ल जल, जल पानी। थल ल थल, थल किसे कहते हैं बेटे? धरती। फल ल फल, फल तो आप लोग घर पे बैठ के खाते ही होंगे। बल ल बल, ताकत। डर र डर, डर जाते हैं ना आप लोग किसी भी चीज को देख के, अगर किसी अनजान चीज को देख के आप लोग डर जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? डर र डर। क र कर, कर। कोई भी चार पापा मम्मी क्या कहते हैं इस काम को कर, तो आप उसको कैसे लिखेंगे? क और र कर। व र वर, बोलिए बच्चों ये क्या लिखा है? व। और ये क्या है? र। व र वर। ये क्या लिखा है बच्चों? च। और ये र। तो दो शब्द को जब साथ में लिखते हैं तो वो एक शब्द बन जाता है। च र च, ये दो अक्षर है। ये थ अलग है और ये र अलग है। इसको साथ में जब लिखेंगे तो ये शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? थर। थ और र थर। इसी तरह आगे है द म दम, क और म कम, ब और म बम, ज म जम, ग म गम, ग और म गम। ये एक अक्षर ग और ये एक अक्षर म। ग से गमला होता है बच्चा और म से मछली होता है, और इन दोनों को एक साथ में जोड़ के लिखते हैं तो क्या बन जाता है? गम। इसी तरह ये है म न मन, म और न मन, घ न घन, फ और न फल, थ न थन। पढ़िए इसको, थ और न थन, त और न तन, त और न तन। यहाँ पे है छत, छत घर की छत होती है।
वही छत छत खत 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 न और त नत ल त लत ल और त लत म त मत म और त मत। ये क्या है बच्चा कप, कप में हम लोग दूध पीते हैं चाय पीते हैं, ये क्या है कप है। तो इसको कैसे लिखेंगे क प्लस प, ये दो अक्षर है, ये अलग अक्षर है ये अलग अक्षर है, फिर इसको जोड़ के एक शब्द बना, क्या बना कप बन गया। दो अक्षर को जोड़ के एक शब्द बना जिसको लिखे कप, कैसे बना क प्लस प इक्वल टू कप। ये है हल, हल दिख रहा है आपको, हल से जिससे किसान काम करते हैं उसको कहते हैं हल, ह प्लस ल हल, ह प्लस ल हल। चलिए आगे एक स्टोरी है हम पढ़ते हैं, इसको दो अक्षर से बने वाक्य इसको पढ़ते हैं, चलिए आप भी मेरे साथ पढ़िए। क्या लिखा है यहाँ पे, यश उठ, यश यश उठ अब चल डर मत घर चल। क्या लिखा है यहाँ पे, दो शब्द ही है, सब में दो दो अक्षर है जिससे एक शब्द बना है। क्या लिखा है, यश उठ अब चल डर मत घर चल। सच क्या है, फल फल चल खत पर खत खत पर बस 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 गई लड़ मत इस भज चल हट कल तक पर दस कह दस कह यश अब जब रब। क्या लिखा है यहाँ पे, यश अब जब रब जल भर थक मत जल भर थक मत यह रख बस कर यह रख बस कर। ये थे अभी दो वर्णों के शब्द, ये जितने भी वाक्य थे इसमें सिर्फ दो वर्णों का प्रयोग हुआ है। आपको क्या आपका होमवर्क है कि आपको इसको बार बार रिपीट करके पढ़ना है, और यहाँ पे जो ये 12 शब्द हैं उसको अपने नोटबुक में शुद्ध शुद्ध करके लिखना है और याद करना है। इस जो ये 12-15 शब्द हैं इसको आपको अपने नोटबुक में लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।